तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने बेचने पर अरविंद केजरीवाल ने लगाई रोक। हिंदू संगठनों ने केजरीवाल को बताया हिंदू विरोधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एलोपैथी विवाद को लेकर बाबा रामदेव को दिल्ली कोर्ट से लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की याचिका को किया खारिज, कहा आप पर चलेगा केस। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी को हिंदू संगठनों ने भारत में किया ट्रॉल। मोहम्मद शमी को बताया गद्दार, पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। इसी के साथ आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध में एक बार फिर से उतरा इजराइल। दुनिया भर के देशों के विरोध के बावजूद 2800 घरें बनाकर यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाएगा इजराइल। इसी के साथ आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। 2 दर्जन नेता कांग्रेस में हो सकते हैं भाजपा के शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विवादों में आई वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल ने की तोड़फोड़। हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाने का वेब सीरीज पर लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने बेचने पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अंधभक्तों को दिवाली के मौके पर बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने बेचने पर बैन लगा दिया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कहा है कि दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में जब कोई कार्यक्रम होता है तब पटाखे फोड़ने दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तब पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री फोड़ने पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाने का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक कई डॉक्टरों ने संकेत दिए कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पटाखों को फोड़ने की इजाजत दिल्ली में दी जाती है तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन होगा, जिससे वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसलिए दिल्ली में इस बार किसी भी कीमत पर प्रदूषण रोकने के लिए दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा झटका अंधभक्तों को आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी को लोगों ने किया ट्रॉल। राहुल गांधी ओवैसी ने किया बचाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली पहली हार के बाद सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है। शमी के खिलाफ कई तरह के अपमानजनक कॉमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोग शमी को गद्दार बता रहे हैं और पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रहे हैं। भैया आपको बता दें कि इन सभी के बीच असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी सहित जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने समी का बचाव किया है और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने समी का बचाव करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बना जा रहा है। ये दिखाता है कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है। टीम में 11 खिलाड़ी हैं और एक मुस्लिम खिलाड़ी है, उसे ये लोग निशाना बना रहे हैं, इसे कौन फैला रहा है? इससे साफ होता है कि देश में किस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लगातार मोहम्मद शमी को पाकिस्तान जाने की हिंदू संगठन सहित कुछ लोग नसीहत दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के डॉक्टरों का मजाक उड़ाना, बाबा रामदेव को पड़ा भारी। एलोपैथी विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की याचिका को किया खारिज। हो सकती है बाबा रामदेव को जेल। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस के दौरान कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की याचिका खारिज करते हुए इस पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों के संघों की ओर से कोविड-19 महामारी के बीच एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाने को लेकर दायर मुकदमा विचार करने योग्य है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि एलोपैथी जो विवाद है उसमें हमारी जो भी हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उनको खारिज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने मुकदमे खारिज करने से इनकार कर दिया और अब इस मामले पर सुनवाई कोर्ट करेगा, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका और बाबा रामदेव को झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुनिया भर के देश के विरोध के बावजूद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाएगा इजराइल। 2800 घरों का करेगा निर्माण। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों के लिए एक बार फिर हजारों घर बनाने इजराइल वाला है। एक वाचडॉग ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम वेस्ट बैंक में लगभग 3000 नए घरों का निर्माण अमेरिका के विरोध के बावजूद इजराइल करने वाला है। इजराइल ने कहा है कि हम यहां पर 2800 घरों को बनाएंगे और यहां पर यहूदियों को बसाएंगे।
जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और ये मुस्लिम क्षेत्र है, लेकिन फलस्तीन से इसको जो है इजराइल ने हमला करके छीन लिया था और अब इसी वेस्ट बैंक में यहूदियों को इजराइल बसाएगा और 2800 घरे सरकार वहां की निर्माण करके इनको देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दुनिया भर के मुस्लिम देश सहित दुनिया इसका विरोध कर रही, लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं मानना है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में चुनाव से पहले भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। भाजपा के कई नेता कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका गुजरात में लग सकता है। गुजरात विधानसभा से पहले ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के लगभग 2 दर्जन नेता हमारी पार्टी में शामिल होंगे और भाजपा को गुजरात में चुनाव हराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका भाजपा को लग सकता है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवादों में आई वेब सीरीज आश्रम 3 सेट पर हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। जी दोस्तों आपको बता दें कि वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर देश में विवाद शुरू हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाम भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट में पथराव कर तोड़फोड़ की और इसके निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश झा पर हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए सियाही फेंक दी है। पथराव में इस वेब सीरीज की 2 बसें भी टूट गई हैं। बजरंग दल ने आगे इस वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने की धमकी भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बजरंग दल ने कहा है कि बजरंग दल का कहना है कि इस वेब सीरीज का नाम हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वे असली दृश्यों का फिल्मांकन कर रहे हैं। धोटा ने बताया है कि बजरंग दल के लोगों ने प्रकाश झा पर स्याही फेंकी और वहां पथराव भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बजरंग दल अब इस वेब सीरीज के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोदी मीडिया के बाद अब फेसबुक भी बीजेपी का देश में कर रही है समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में गोदी मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक भी बीजेपी का समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक पर यह गंभीर आरोप आज लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बयान जारी कर कहा है कि फेसबुक का बीजेपी के साथ गठजोड़ हो गया है और ये गठजोड़ नया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सभी को अंकित दास से जुड़ी घटना याद है, जिसने संसदीय पैनल ने फेसबुक द्वारा कथित पक्षपातपूर्ण रवैये अपने जाने और बीजेपी के लिए उनके स्पष्ट समर्थन को लेकर पूछताछ की थी। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि उनके इस्तीफे के बावजूद बीजेपी फेसबुक के बीच की दोस्ती और गठजोड़ कभी खत्म नहीं हुआ है। पवन खेड़ा ने फेसबुक को फेकबुक कह डाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब गोदी मीडिया के बाद फेसबुक भी लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहा है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकी सूची से बाहर आएगा तालिबान। व्लादिमीर पुतिन बोले रूस कर रहा है विचार। जी दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने की संभावनाएं हैं और अब तालिबान ने रूसी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि पुतिन ने इंटरनेशनल बलदाई क्लब की एक बैठक में बोलते हुए कहा है कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। तालिबान की अंतरिम सरकार में अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जबीदुल कहर बल्खी ने रविवार को कहा है कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी का स्वागत करता है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था और तालिबान को एक आतंकी संगठन माना था। लेकिन अब दुनिया भर के देश लगातार आतंकी सूची से अब तालिबान को बाहर करने की मांग करने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी राहत रूस से जो है तालिबान को मिली है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को धूल चटाने के बाद ममता बनर्जी ने यूपी में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से धूल चटाने वाली ममता बनर्जी ने अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि त्रिपुरा और गोवा के बाद अब टीएमसी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस के पूर्व नेता राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर मचा घमासान। बेंगलुरु के आर्क बिशप ने की इसे वापस लेने की अपील। जय दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचाडो ने सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को वापस लेने की कर्नाटक में अपील की है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये राज्य में बदमाशों के
लिए कानून को अपने हाथ में लेने और माहौल को खराब करने का एक उपकरण बन जाएगा। इसी के साथ उन्होंने दावा किया है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रशासन और पुलिस इंटेलिजेंस को केवल ईसाई समुदाय के धार्मिक कर्मियों और पूजा स्थलों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि कथित आदेशों को सरकार वापस ले। वहीं आपको बता दें कि केरल कर्नाटक में लगातार हिंदू सहित अन्य धर्मों के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है और इसी से कर्नाटक की भाजपा सरकार नाराज है और आरएसएस सहित बीजेपी ने धर्मांतरण विरोधी कर्नाटक में कानून लाने का ऐलान किया। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में।